हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 16 जून 2023 ट्रिपल सी एग्जाम रिवीजन क्लास टॉप 50 प्रश्नों को पढ़कर जाना है आप सभी को। जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को, जिन बच्चों का आज एग्जाम है, आप सभी ये क्लास रिवीजन क्लास को आप सभी को देख कर जाना है, क्योंकि हमने इस क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है इस क्लास में। तो ये एग्जाम, ये क्लास जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखना है। तो स्टूडेंट, जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है, आप सभी को जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए। और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है आप सभी को। स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं शामिल किया है इस क्लास में। तो जल्दी से आप सभी को जुड़ जाना है और एक एक क्वेश्चंस का आप सभी को जवाब देना है। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए आप सभी, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद अ नेटवर्क सिस्टम इज कॉल्ड, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सन कंप्यूटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या है। अ पर्सन कंप्यूटर कनेक्टेड विद अ नेटवर्क सिस्टम इज कॉल्ड, किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज कर्टन सर वर्क स्टेशन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। टेलीकॉम सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है, तो बताइए स्टूडेंट्स आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जो साथी मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और जो बच्चे इस क्लास को लास्ट में देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जल्दी इस क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं उनको शेयर कर दीजिए आप सभी, और बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। टेलीकॉम सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर वैन। तो जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। बाय यूजिंग ई कॉमर्स द यूजर कैन सेव, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। वेयर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट टू बी टाइप इज विजिटेड, विजिटेड के जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो जल्दी से बताना आप सभी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एड्रेस बार। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेट इज इंटरनेट एक क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो जल्दी बताना आप सभी को। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट्स। और इस क्लास में आप सभी को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर टेक्स प्लेस इन रियल टाइम एंड ऑन एग्रीगेट बेसिस, बताइए स्टूडेंट्स सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का हस्तांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है, बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इन विच सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर टेक्स प्लेस इन रियल टाइम एंड ऑन एग्रीड बेसिस, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आरटीजीएस। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है स्टूडेंट, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस इज, आईएमपीएस का पूर्ण नाम क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है। एमआईपीएस का पूर्ण नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए स्टूडेंट्स आप सभी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका आईएमपीएस, तो आईएमपीएस यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, तो आप इसको कर लीजिएगा एम आई
फॉर एस, ठीक है। आपका MIMPS का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को, ठीक है। बताइए सुन सा सभी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फुल फॉर्म ऑफ MIPS, MIPS का पूर्ण नाम क्या है आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड BCC यूज्ड व्हाइल सेंडिंग ईमेल, बताना है आप सभी को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड BCC का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे स्टूडेंट, बताइए आप सभी। और स्टूडेंट आज क्लास में आप सभी को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपका सही जाए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि आप एग्जाम की तैयारी कितना अच्छे से कर पाए। बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ब्लाइंड कार्बन कॉपिंग। जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट ट्रांसमिट ग्राफिकल डाटा, ग्राफिकल डाटा को निम्न में से किसमें अच्छे से ट्रांसमिट किया जा सकता है फ्रेंड्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कोएक्सियल केबल। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार उपकरण का उदाहरण है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मॉडेम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड्स रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट, बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नेटवर्क। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इट इज यूज्ड टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इसका उपयोग वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, तो जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेब होस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, इन विच फॉर्मेट ऑफ वेब पेज इज सेव्ड, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, HTML। जिस बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डेस्क इन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर में डेस्क का होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक IP एड्रेस। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का उपयोग करता है, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पैकेज स्विचिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, गूगल एंड याहू इज एन एग्जांपल ऑफ, गूगल और याहू डेस्क का उदाहरण है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, फैट स्टैंड फॉर, फैट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सब बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, निम्नलिखित में से पहला सर्च इंजन कौन सा था स्टूडेंट्स, आप सभी बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी इस क्लास में आप सभी जुड़ जाइए, जो बच्चे क्लास में आ गए हैं आप सभी को सेक्शन को शेयर कर दीजिए। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, निम्नलिखित में से पहला सर्च इंजन कौन सा था स्टूडेंट, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अर्ची। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल,
सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है स्टूडेंट, आपसे बताना है। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर HTTP। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डाटा पैकेज टू द नेटवर्क। बताइए स्टूडेंट आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डाटा पैकेज टू द नेटवर्क, नेटवर्क पर डाटा पैकेज भेजने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रूटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वी यूजुअली यूज द डैश टू कनेक्ट विद अदर पीपल ऑन द इंटरनेट। हम आमतौर पर डैश का उपयोग करते हैं इंटरनेट पर अन्य लोगों से जुड़ने के लिए। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ईमेल एड्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following works for the security of the network? निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फायरवॉल। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, Which of type of telephone line connection is used to connect to the internet? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस प्रकार के टेलीफोन लाइन कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताना आप सभी स्टूडेंट, Which type of telephone line connection is used to connect to the internet? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डायल अप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफर फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर बाई यूजर इज कॉल्ड। एक यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट आप सही बताना है। तो आप सही बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर अपलोडिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, अ रूटर परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज अ, एक रूटर एक डेस्क के लिए समान कार्य करता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ब्रिज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN, VPN का पूर्ण रूप क्या होगा स्टूडेंट आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी बिट्स डज IPv4 हैव, IPv4 में कितने बिट होते हैं स्टूडेंट आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 32 बिट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, डाटा ट्रांसमिशन इन वैन इज थ्रू सैटेलाइट, वैन में डाटा संचार सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, ब्लूटूथ इज एग्जांपल ऑफ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है स्टूडेंट्स आप सभी बताना है। तो आप सभी बच्चे जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, देयर इज नो मिनिमम लिमिट्स ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू RTGS, RTGS द्वारा लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, वाईफाई इज अ हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, वाईफाई एक उच्च क्षमता एवं तीव्र गति ट्रांसमिशन की तकनीक है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, चैटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंटरनेट, चैटिंग इंटरनेट की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, अनदर नेम फॉर ए रिंग टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी का अन्य नाम बस टोपोलॉजी है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क आर कॉल्ड सेंट्रल हब्स, कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइस जो कि आपस में नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं सेंट्रल हब कहलाते हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का ट्रू होगा
या फॉल्स होगा आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी, क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। लाइकन इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनेट ब्राउजर। लाइकस एक इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण है। तो आप सभी बच्चे जल्दी जवाब कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। द वेब पेज कैनॉट बी प्रिंटेड विदाउट डाउनलोडिंग इट। वेब पेज को डाउनलोड किए बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता इसमें। तो आप सभी बच्चे को बताना है इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। द स्पेसिफिक क्रॉस चेक इज अ टाइप ऑफ चेक। विशिष्ट रेखांकन चेक या चेक का प्रकार है इसमें। तो आप सभी को बताना है, आप सभी बच्चे जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द स्पेसिफिक क्रॉस चेक इज अ टाइप ऑफ चेक। विशिष्ट रेखांकन चेक या चेक का प्रकार है, बताना है आप सभी को, जल्दी बताइए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जो कि समय पर सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और स्टूडेंट्स आप सभी का आज एग्जाम्स है जो कि आप एग्जाम देने जाइए। और विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।